तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर Xiaomi ने हाल ही में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro को लॉन्च किया है। और यहाँ पर Redmi Note 9 Pro से हमने जिस हिसाब की एक्सपेक्टेशन की थी, उस हिसाब के हमें इसमें फीचर्स नहीं देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो Redmi की नोट सीरीज होती है उसका सीधा कॉम्पिटिशन Realme की जो मेन सीरीज होती है उससे होता है पिछले काफी सालों से। लेकिन इस बार हमें कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं, जहाँ पर Realme ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं और साथ ही अपने फीचर्स को भी इंक्रीज कर दिया है अपनी जो मेन सीरीज है। वहीं Redmi Note 9 Pro में हमको इस बार कम फीचर्स देखने को मिले, वहीं प्राइस भी इसकी कम कर दी गई है। तो दोस्तों, यहां पर Xiaomi के जो फैंस हैं अब वो उम्मीद कर रहे हैं जो Xiaomi का Redmi Note 9 स्मार्टफोन है वो बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ आए, साथ ही एक अग्रेसिव प्राइस के साथ भी आना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 9 के बारे में, बात करेंगे इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस और इसकी प्राइस के बारे में, साथ ही बात करेंगे इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आरिफ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस की, बात करें इसकी डिस्प्ले की। तो ये स्मार्टफोन आएगा एक 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, साथ ही जो इसमें डिस्प्ले होगी वो IPS LCD होगी। बात करें इसकी डिस्प्ले के डिजाइन की, तो ये फुल्ली बेजल लेस डिस्प्ले होगी जिसमें आपको ऊपर की तरफ एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको MediaTek का हिलियो G70 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करें इसके ग्राफिक्स की, तो इसमें आपको माली G52 देखने को मिलेगा। बात करें इसकी स्टोरेज की, तो इसके बेस वेरिएंट में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। तो इसके आगे बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा की, तो उसमें बात करते हैं पहले इसके रियर कैमरा की। तो इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, वहीं 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा जो कि वाइड एंगल शूटर होगा, वहीं 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और कैमरे की क्वालिटी इसमें आपको इस बार बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो इसका 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है वो सोनी का कैमरा है। साथ ही बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको सोनी का ही सेंसर देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की और चार्जिंग की, तो इसमें आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, साथ ही इसमें आपको 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस और फीचर तो इस स्मार्टफोन के काफी डिसेंट हैं। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन आने वाला है अंडर 10,000 की प्राइस में, तो यानी कि इस स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है 9,999 रुपए। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में, तो दोस्तों कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन अप्रैल के एंड तक लॉन्च हो जाएगा। अगर मैं फिक्स लॉन्च डेट की बात करूं तो ये स्मार्टफोन 23 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, ये लॉन्च डेट अनऑफिशियल है, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया कि इस स्मार्टफोन को कब लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों, कंपनी की तरफ से जैसे इस स्मार्टफोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन को इनेबल कर देना है ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आपका क्या कहना है Xiaomi के इस अपकमिंग स्मार्टफोन Redmi Note 9 के बारे में, कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। तो दोस्तों, मैंने इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन सबसे पहले बताए हैं, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है इस बढ़िया सी वीडियो के लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड बी सेफ।